गाइस गुड मॉर्निंग, और सब कैसे हो? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका सोनी विलेज लाइव यूट्यूब चैनल में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी दोस्तों इधर सोनी ने इसके अंदर आलू रख दिए हैं, और क्या क्या रखा है सोनी? राम राम माता बहनों सभी को, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसमें क्या? छोले हैं, छोले हैं, आलू है, और एक चम्मच नमक डाल दो। हाँ देखो दोस्तों, इसमें छोले भी हैं और आलू भी है, इनको उबालने के लिए रख दिया है। और सोनी जी क्या हो रहा है? लहसुन छील लिया। लहसुन, लहसुन प्याज। और योगेश, कपड़े धोने की प्रैक्टिस चल रही है इसकी? गुड मॉर्निंग। अभी देखो कपड़े धोने की प्रैक्टिस चल रही है योगेश की, और बोल रहा है अब तो मैं अच्छे से धो लेता हूँ, अभी ये धुल जाएगी जब पता चलेगा सही से। अपने आप कपड़े धोंगे तो अच्छा रहेगा, गंदे भी कम करेंगे अपने आप धोएंगे तो। सोनी की उंगली अभी दुखती है हल्की हल्की, इसीलिए। इसमें अभी सोनी ने दो गांठ प्याज की ले ली है, और एक लहसुन की गांठ है पूरी, और ये मिर्ची है। अच्छे अच्छे से इसमें से टमाटर निकाल लेंगे, कुछ खराब से टमाटर हैं, चार टमाटर मान के चलो। हाँ, चार चार टमाटर है। अभी बनाएंगे दोस्तों सूखा मसाला। एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच मिर्ची पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, एक चम्मच धनिया, डेढ़ चम्मच सूखा धनिया। तो हरा धनिया कह रही। नमक स्वाद अनुसार। ये बन गया मसाला, अभी इसको पानी डाल के रख देंगे जिससे ये फूल जाएगा। सोनी की उंगली में लगी है ना, तो अभी तक वो सही से सही नहीं हुआ, तो अभी मसाला सिल पे नहीं पीस रहे हैं हम, मिक्सी मशीन में पीसेंगे। तो अभी डाल दिया है सोनी ने। अभी इधर सोनी ने दो लाल मिर्ची ली है, दो तेज पत्ते और काली मिर्च ली है कुछ। मारा कुकर सीटी मार रहा है धीरे धीरे। इधर योगेश की सरसों के तेल की मालिश हो रही है। अभी हमारे आलू उबल गए दोस्तों, छोले भी उबल गए। हमारी नित्या रानी इधर खेल रही हैं, माई के साथ में खेल रही हैं, है नित्या। ओ सीटी दे रहा है कुकर भी, क्या सीटी सुर। ओ नहीं नहीं नहीं, खाता ना बेटा, कर ले मिट कर ले। अभी देखो कितने बढ़िया आलू उबले हैं, अभी निकालेगी सोनी ये। अरे आलू फटे ना आज है? फट गए, फट गए, उबल गए, उबल गए। देखो आलू फट गए, मस्त उबला है आलू, मस्त। अभी देखिए दोस्तों, एकदम बढ़िया उबल गए। देखो छोले भी हमारे खिल गए हैं, मस्त। तो अभी छोलों को निकाल लेंगे, जो आज की सब्जी बहुत सारे काज। सोनी फाइनली छोले भटूरे बनाने जा रही है, हैं हैं छोले भटूरे, तो आज रोटी कम बनेगी। रोटी कोई खाएगा तो बनाऊंगी, नहीं तो भटूरे ही खा लेंगे। हाँ भटूरे खाएंगे आज दोस्तों, बहुत आनंद आने वाला आज की रेसिपी में। हमारी बिटिया रानी सीख रही है देख देख के माई के पास, क्या देख रही है, मैं भी बनाऊंगी ऐसे अनित्य बिटिया। और ये वाले मसाले देखो दोस्तों, ये पूरा मिक्सी मशीन पीस के रख दिया है सोनी ने, और टमाटर का भी पेस्ट बना के रख दिया, और ये तो पानी डाल के रख दिया हमने मसाले को, ये फूल रहा है। फूल लेती है डांते। तो इसमें एक चम्मच सोनी ने लिए चाय पत्ती। अब चाय पत्ती से क्या होगा मेरे की समझ में नहीं आता है। इसमें डालूंगी हैं पानी है जाओ, लाल फ्रिजी में डालूंगी। सरसों का तेल, डेढ़ चम्मच सरसों का तेल। तो आलू डाल दे कर देख, वो एक आलू तो ये विवेक लेके भाग गया। अब जन हरा है नमक के साथ में, चकला देना देखो कहां कहां, अरे चकला देखो, छील के चकला कहां डाल रहे थे। अब जगह पे चकला डाल रहे हैं,
तो ये पान में पड़ेंगे, पान पे चिपकेंगे, अच्छी बात है जी। कह दी थी उठा के फेंकेगा, जब जब बाई तरफ छील कचड़े में छिलिया तो पहले ही तो नित्या खवा दे बेटा, आलू खवा दे, गर्म नहीं हुए ठंडो करके खवाइयो। भाई नित्या रानी बोल रही, अप्पा अप्पा माई अप्पा, योगेश आलू खा रहा है ना, तो आलू खा रही है। तुम चले जाओ, थोड़ा सा तेल देंगे और वो दे आटा, तेल आटा ठंडी कर करके खवा दे। हम वहां तो पता ना, मैं कहा जाऊँ जी नाश्ता लगा दो रे, मुझे भूख लगी, जा लेंगे जीरा, हमारा तेल गर्म हो गया दोस्तों। जीरा तेज पत्ता, मम्मी के पांच मिर्च, दो लाल खड़ी, ये काली मिर्च, काली मिर्च, आय छक गया मसाला। अभी दोस्तों मसाले को भूनना है, बहुत बढ़िया तरीका, जब तक ये तेल नहीं छोड़े तब तक भूनना है इसको। विवेक स्कूल के लिए तैयार नई साइकिल को लेके, तो मैं आलू जो खोल रहा हूं, इतना बढ़िया मसाला भून गया। अभी थोड़ा सा मैं चला देता हूँ, सोनी उधर आलूओं को फोड़ रही है, मोटा मोटा आलूओं को मोटा मोटा फोड़ेंगे। टमाटर का पेस्ट कब डलेगा? अब अंदर जो मसाला बन जाए वो डाल दो। नीचे चलाओ, नीचे जा, रोटी भी चलाओ, ऐ चलाओ, चलो अभी डलेगा टमाटर का पेस्ट। कितना बढ़िया मसाला भुन गया है दोस्तों, अभी देखो कितनी मस्त ग्रेवी बनी है ना, अब बनेगी ग्रेवी, बनी नहीं है अब बनेगी, ये देखो टमाटर डर के बनते हैं, कितनी गजब की बनेगी ग्रेवी हमारी। देखो नित्या कैसे उधर से देख रही है। दोस्तों अभी से मुंह में पानी आने लग गया, अगर आपके में आने लग गया ना तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक के लिए हम तरसते रहते हैं। खा लो अप्पा। दोस्तों अभी मेरे को भूख लग रही है, और देखो नाश्ता कर लीजिए, गुजा, अभी होली के गुजा बहुत सारे हैं, तो अभी सुबह सुबह गुजा का नाश्ता कर लेते हैं, आप भी खा लीजिए। पूरा अंदर तक भरा हुआ है देखो। दोस्तों आपने गुजा की रेसिपी नहीं देखी तो प्लीज गुजा की रेसिपी देख लेना, वीडियो डली हुई है होली वाली। अभी देखिए गाइस, अभी कितना बढ़िया ग्रेवी बन गया है, मसाला बन गया हमारा पूरा तरीके से। तो अभी डाल देंगे हम आलू, और आलू और मसाले को दोनों को ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे कि ये जैसे जन्मों जन्मों से मिले हुए हैं, बहुत बढ़िया तरह से मिक्स कर देंगे। और अभी डालेंगे छोले, काबुली चना, बड्डा चना और चना, कितने नाम है इसके, और भी कुछ बोलते हैं क्या? बोलते तो होंगे, कमेंट में आएगा, कमेंट करना दोस्तों, और क्या क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो यही बोलते हैं चना को, बड्डा चना, काबुली चना, छोले। तो ये चाय की पत्ती डाली थी ना सोनी ने पानी में, तो वही चाय पत्ती वाला पानी, पता नहीं सोनी तो बोल रही थी इससे कलर अच्छा आता है, स्वाद अच्छा आता है, अब मैं तो खा के बताऊंगा। भाई की कहां तल करके लाए हुए की कहते खेले खेलते तो रहेगी, ये का है मसाले को पानी कच्चे, अच्छा अच्छा धोखे डाल दिया है, मसाले का कप था उसको धोखे डाल दिया है, हम ढक के रख, अभी इसको ढक के रख देंगे और देखते रहेंगे दो चार मिनट में, हैं, और हल्की हल्की आंच पे इसको बनाना है। ओ नित्या ने माइक निकाल लिया, बोलो अब इसमें कुछ बोलो, दे दे। बोलो इसमें दे कुछ दे। लग गई माइक कैसी लगी? ओ ओ ओ निकालो। दोस्तों अभी देखते हैं, और हमारे आलू छोले की जो रेसिपी है ना, ये देखो बन चुकी है, शायद शायद बन गई के बन गई, इसको हम नीचे उतारते हैं, और अभी क्या बनेंगे, भटूरे के नादों के बनेंगे, और अब डलेगी बड़ी चीज जो है कि सब्जी मसाला, और अभी डल गए धनिया और सब्जी मसाला, आ हा हा क्या खुशबू आ रही है दोस्तों, कह नहीं सकते, बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है। अभी सोनी ने ये क्या मैदा है, ये मैदा छान के रख लिया,
अभी मैदा छान लिया है और ये जेक खाना सोडा, खाना सोडा और अभी डाल दिया नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। दोस्तों अभी सोनी भी नहा धो के फ्रेश हो गई, हम भी हो गए देखो, और अभी बनेंगे भटूरे। अब गरम गरम भटूरे खाएंगे, इसीलिए स्नान कर लिया जल्दी। तो अभी भटूरे बनने जा रहे हैं, बस अभी इंतजार खत्म हुआ और इसमें हम ले रहे हैं थोड़ा सा दही, एक चम्मच, एक चम्मच आधी किलो मैदा में ये इतना सारा सिस्टम डाला है दोस्तों, देख लीजिए। और अभी इसके लिए इसको ना गुनगुने पानी से मारेंगे। सरसों का तेल थोड़ा सा चोपर ले लिया है, दो चम्मच अभी अच्छे से मत देंगे इसको। अभी लगाएंगे आटा, गुनगुना पानी है। रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना दोस्तों, उस आटे से थोड़ा सा ढीला सला, थोड़ा ढीला रहे, इसको पछीटेंगे, उठा उठा के पछीटेंगे जब इसमें बढ़िया लोच आएगा। और ये ना हलवाइयों की एक ट्रिक है, उठा उठा के पटकेंगे तो ये भटूरे ना एकदम फूल के मस्त बनेंगे। अभी इसको ऐसे पटक पटक के लगाएंगे आटे को, थोड़ा सा तेल लेंगे, तेल लगाने के बाद फिर से गूंदेंगे इसको, तेल या घी कुछ भी ले सकते हैं, सरसों का तेल ही चलता है हर एक चीज में। हाँ सरसों का तेल ही है और इसमें जितनी अच्छी मेहनत करोगे उतना अच्छा भटूरा बनेगा। तो भटूरे बनना चालू हो गए और देखो जब का भटूरा फूला है ना, ये देखो यार, गुब्बारे जैसा हो गया, गुब्बारे जैसा, क्या आनंद आएंगे खाने में। आप वीडियो को लाइक कर दो, गुब्बारा। तो अभी भटूरे बन रहे हैं, एक दो भटूरे फूल नहीं पाए, देख रहे हो अपने आप, दिख रहे हैं छेद हो गया उसमें, छेद एक भटूरे में। तो अभी मैं योगेश विवेक के लिए ना टिप्पण लगा के लेके जा रहे हैं स्कूल पे, दे के आते हैं, उसके बाद में आके हम खाएंगे। तो अभी हमारे भटूरे इतने सारे बन गए, अम्मा हमारी खा रही है उधर, और हमारी नित्या देखो ये सबसे ज्यादा काम कर रही है, कितना बढ़िया मुंह आ रहा है इसका। कैसे बने अम्मा भटूरे? बढ़िया बने अम्मा, तो मस्त बता रही है। अब मैं भी खाता हूँ, सोनी मेरे लिए भी रख दो। कितने गजब गजब के भटूरे बन गए दोस्तों, अभी हम तो खाना खाते हैं। पहले भटूरे टेस्ट करते हैं कैसे बने हैं, है ना। हमारी थाली देखो ये लगी है, ये रही हमारी थाली और ये रखा है भटूरा, हमारी थाली लग गई। अभी देखो ये भटूरे को सबको पिचका देंगे, ऐसे पिचका के रख दिए, अभी इसका स्वाद देखते हैं। पहले तो भोग लगाइए प्रभु का, जय हो। कितने मुलायम हैं, बहुत बढ़िया हैं। और ये देखो सब्जी छोले की, और ये देखो पूरा, और आप खा लीजिए, मैं आपको खा के स्वाद बताऊंगा। अब मेरे पे रुका नहीं जा रहा है, बहुत ही लाजवाब, कोई जवाब नहीं, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बने हैं दोस्तों, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। एक लाइक तो बनता है दोस्तों, एक लाइक कर दो। अभी हमारे सारे भटूरे बन गए दोस्तों, देखो कितने सारे भटूरे बनाए हैं और हम खा रहे हैं इधर। हमारी अम्मा ने अभी खा लिया, पेट भर गया, अम्मा खा तो है, अम्मा जिग्गी हाँ। अभी हम खा रहे हैं। सनी क्या भटूरे फटकार दे, तीन भटूरे मार दे दोस्तों। सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी, भटूरे तो जैसे बने लेकिन सब्जी का कोई कहना नहीं, बहुत ही लाजवाब सब्जी बनाई दोस्तों। आज की सब्जी की और भटूरे की बहुत तारीफ हुई, और हमारे पापा जी भी वैसे छोले की सब्जी उनको पसंद नहीं, ज़्यादा नहीं खाते थे, लेकिन आज खा के गए, आज उनको बहुत अच्छी लगी। और आपको हमारा वीडियो आज का कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।